कई लोग थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, कई ऐसे टीचर्स थे, कई ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे दूर के जिन्होंने बहुत मदद करी, मेरे साथ जिन लोगों ने काम करा है। मैंने कभी भी इन चीज़ों को सीखा नहीं था पहले, आई वॉज ऑलवेज आई लर्न ऑन द जॉब जैसे बोलते हैं, तो ये सब मैंने काम पे जाके ही काम करना सीखा है। तो मेरे को कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके नर्चर करके इस इंसान में बनाया है, और उनके साथ ही वो भी लोग काफ़ी थे जिन्होंने मेरे पोटेंशियल पे डाउट करा था, जिनको मैंने जो रास्ता चुना है वो सही नहीं लगता था, तो उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे अंदर जो ये आग थी खुद को प्रूव करने की वो नहीं जागती। श्रेया को पसंद क्या खाने पीने में, या रोल मॉडल किसको मानते हैं आप? खाने पीने में क्या पसंद है, उसका जवाब तो ये है कि मैं प्रॉपर दिल्ली का खाना बहुत पसंद करती हूँ, चाहे वो गोलगप्पे हो, चाहे वो छोले भटूरे हो, पाव भाजी हो, तो बहुत बड़ी फूडी हूँ। और रोल मॉडल में आई थिंक रतन टाटा सर हमेशा से ही मेरे काफ़ी आइडियल वो रहे हैं, नॉट ओनली बिकॉज आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, बट ऑल्सो मैंने जितनी भी ऐसे काम कभी मैं सुनती हूँ कि कुछ बहुत इम्पॉसिबल सा या कुछ बहुत डेयरिंग चीज़ किसी ने करी हो फ्रॉम यू नो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इन इंडिया, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टर रतन टाटा। तो याद है जब कोविड चल रहा था, कोविड का लॉकडाउन खुलते ही मैंने काम चालू किया था, और मैंने कश्मीर से लेके साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान, सूरत, मुंबई, ऑब्वियसली आई हैव वर्क एवरीवेयर, सो काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में काम करने का इरादा है। कुछ वो लम्हे हैं जो आपको रोमांचित करते हैं, जो आप शेयर करना चाहेंगे? जो रोमांचित करते हैं फैशन इंडस्ट्री में? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कई लोग हैं। आई थिंक मैंने अभी फिल्म फेयर अटेंड किया था, जहाँ पे जिन लोगों को हमने सिर्फ बड़े पर्दे पे देखा था, आज मैंने उनके साथ बैठ के वो शो सिर्फ देखा नहीं, एक अवार्ड भी प्रेजेंट करा, तो वो आप अपने आप में ही मुझे इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि मेरी मेहनत इतना रंग लाई कि आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इतने बड़े बड़े सितारों के साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ, तो उसने काफ़ी मोटिवेट करा है कि अब और भी मेहनत करनी है, और भी ज़्यादा लगन से काम करना है। और उसी 30 लड़कियाँ अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर्स से आई थी, और सभी अपनी फैमिली से दूर, तो कुछ ही घंटों में आई थिंक हम सभी ने अपनी छोटी छोटी फैमिलीज ढूंढ ली, और एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखते थे, बहुत मस्ती करी, बहुत मज़े आए, इतना कुछ सीखने को मिला, और रोज ही उठ के ऐसा लगता था कि आज मैं अपना एक बेटर वर्जन हूँ, तो बहुत ही प्यारी प्लेजेंट जर्नी थी। श्रेया आप एक स्टेप से चूकते हैं, क्या इस चीज़ का मलाल है आपको? बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक हम 30 लड़कियाँ, हर एक एक लड़की हर स्टेट की विनर थी, तो वो तो अपने आप में ही एक जीत है, जैसे कि बोला जाता है मिस इंडिया में स्टेट विनर्स, तो सभी साथ में थे, सभी अपने आप में विनर्स थे, और अगर मैं एक स्पॉट से चूकी हूँ तो मैं बाकी 28 से जीती भी हूँ, तो द ग्लास इज़ नॉट हाफ एम्प्टी बट द ग्लास इज हाफ फुल जैसे बोला जाता है, और मैंने अपना बहुत ही फोकस से कम्पीट किया था, और मुझे जितना प्यार अभी मिल रहा है मुझे लगता नहीं है कि मुझे कभी इस चीज़ का बुरा लग सकता है। श्रेया आपने मॉडलिंग के बारे में कब सोचा और कैसे इसके बारे में इंस्पिरेशन मिला? बचपन से ही कैमरे से बहुत ज़्यादा प्यार था, शायद बचपन में इतना साफ पता नहीं था कि ये करूँगी बड़े होके, पढ़ाई में ज़्यादा, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देती थी, बाकी चीज़ों में ध्यान देती थी, पर हमेशा से काफ़ी आर्टिस्टिक थी। उसके बाद जैसे बड़े हो गए तो पता था कि अब यही करना है, तो काफ़ी मेहनत करी, कई नई चीज़ें सीखी जो नहीं आता था, मेकअप नहीं आता था एक पॉइंट पे, तो सब सीखा और फिर बस। अच्छा, इसके आगे अब क्या प्लानिंग है, इसके आगे अब कुछ बड़े पर्दे पर भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, काफ़ी प्लान्स हैं अभी तो आगे के, एक साल जो हमारा रीनिंग ईयर होगा एस मिस इंडिया, तो उसके लिए भी मेरे काफ़ी प्लान्स है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं काम करना चाहती हूँ, और अब मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो मैं उन चीज़ों
के बारे में काम करूंगी, उन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहूंगी और इस एक साल को काफी अच्छे से इस्तेमाल करूंगी ताकि मुझे कभी आगे जाके ये ना लगे कि मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था और मैं ये कर सकती थी और नहीं किया। सिर्फ वो महान नहीं है, वो अपने चोजन करियर में बहुत सक्सेसफुल भी है। जिस तरीके से देखा गया कि आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है और सब देखा जाता है कि ऐसी जर्नी में कहीं ना कहीं एक ऐसा पल आता है कि अपना आपको देखते नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर ऐसा कुछ आपके साथ भी इस तरीके का हुआ मतलब और किस तरीके से आप उससे कुछ बाहर? बिल्कुल हुआ और सिर्फ एक बार नहीं कई कई बार होता है। तभी मैं आज के टाइम पे यूथ को या जिन भी लोगों को मैं मिलती हूँ उनको ये बोलती हूँ कि चैलेंजेस भी आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी, बहुत ऐसी रातें आएंगी जब आप रोओगे बैठ के विद नो आइडिया व्हाट टू डू अहेड इन लाइफ, बट अगर आप इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर जाते हो दैट्स व्हेन द एक्चुअल विक्ट्री कम्स। देयर वर टाइम्स व्हेन आई डिड नॉट थिंक दैट यू नो इतना बड़ा सपना देखना पॉसिबल है, पर क्योंकि मैं लगी रही, मैंने मेहनत करी, मैंने कई हिस्सों में अपने लाइफ के खुद को इम्प्रूव करा और फिर एक दिन ऐसा आ गया।